राधे परमहंस क्या होता है थोड़ा समझ लो सन्यासियों में कई भेद होते हैं वैसे तो नियम है पच्चीस साल ब्रह्मचारी रहे फिर पच्चीस साल गृहस्थ में रहे फिर पच्चीस साल बाणप्रस्थ में रहे फिर संन्यास ले पचहत्तर साल की उम्र में लेकिन यह भी नियम है कि यदा हरे वह तदा हरे प्रब्रजे जब कभी वैराग्य तेज हो जाए किसी को तो वो अब कभी भी संन्यास ले सकता है जैसे महाप्रभु जी वगैरह युवावस्था में संन्यास ले लिया सुखदेव परमहंस वगैरा पैदा होते ही संन्यासी हो गए याज्ञ उपनिषद का पहला मंत्र है ये जावालोपनिषद में भी ये मंत्र है चौथे अध्याय का पहला मंत्र नारद को परिवराजकोपनिषद ने भी ये मंत्र है तीसरे अध्याय का सतरवा मंत्र कि जिस दिन वैराग्य हो छोड़ दो संसार तुम अपने कल्याण के लिए मानव देह से युक्त हुए हो ये तो सब बनावटी धर्म है किसी के बेटे बन गए किसी के बाप बन गए किसी के जो सब यही का नाटक है मरने के बाद सब खत्म बेटा कहीं जा रहा है बाप नरक जा रहा है वो कहीं जा रहा है तो नारद को पनिषद में छह प्रकार के सन्यासी बताए गए आश्रमों पनिषद में चार प्रकार के बताए गए नंबर एक कुटी चक नंबर दो बहुदक नंबर तीन हंस नंबर चार परम हंस। अब इसके आगे दो और हैं जो नारद परिवराज को परिषद में बताए गए हैं उसमें एक जो अंतिम है वो है अवधूतोपनिषद अवधूत और इन छहों के नियम भी अलग अलग हैं जैसे कुटीचक दो कपड़ा पहने और एक कमंडल ले बस बहुदक एक कपड़ा रखे और कमंडल भी छोड़ दे हंस एक छोटा कपड़ा ले और परमहंस केवल लंगोटी ले या बिल्कुल नंगा रहे और इसके आगे वाले दो सन्यासी को कुछ न ले न कपड़ा न कमंडल न कोई स्थान रहने का न कोई कुछ न कहीं भीख मांगने जाए वो जहां पड़ा है वहीं पर जो मिल जाए खा ले इसी प्रकार सब तरह के नियम है उठी चक तीन बार नहाए बहुदक दो बार नहाए, हंस एक बार नहाए परमहंस धूल या विभूत राख लपेट ले और बाकी अवधूत वगैरह एक हवा से नहाए कुछ न नहाए कभी नहाए ऐसे सबके नियम बने हुए हैं आजकल तो कोई कुछ पालता नहीं नियम का आश्रम बनवा बनवा के ठाट से रसगुल्ला खाते रहते हैं सन्यासी लोग <laughs> तो परमहंस जो होता है वो समाधि में रहता है समाधि समाधि माने ध्याता ध्येय ध्यान तीनों समाप्त हंस ध्याता भी रहता है उसमें ध्येय भी रहता है और ध्यान भी रहता है जैसे आप लोगों का हम ध्यान कर रहे हैं श्री कृष्ण हमारे ध्येय है उनका ये श्रृंगार है ध्यान है और ये तीनों मिट जाए तो त्रिपुटी समाप्त होना कहते हैं निरंजन ज्ञान कहते हैं उसको उसी को परमहंसावस्था कहते हैं अर्थात कुछ भान न रहे ध्यान का भी भान न रहे मैं का भी भान न रहे सब खत्म ध्यान विस्मृति समाधि मंडल ब्राह्मणोपनिषद एक दस तो परमहंस जो है वो एक प्रकार से फुल मैड होता है हमारे संसार की दृष्टि से जिसको पूरा पागल कहते हैं ऐसा होता है वो अपने सिवा कुछ देखता नहीं कुछ सुनता नहीं कुछ सूंघता नहीं कुछ रस लेता नहीं मिट्टी मुंह में डाल दो मिट्टी खाया जा रहा है गोबर डाल दो गोबर खाया जा रहा है कोई फीलिंग नहीं कोई भान नहीं उस अवस्था का नाम परमहंसा अवस्था होती है लेकिन जब श्याम सुंदर का कोई सामान मिलता है जैसे मुरली तो अब वो ध्याता ध्याय ध्यान तीनों आ गए फिर से मुरली सुना तो वो आत्मा में जाती है तो आत्मा को जो आनंद मिला उससे तो वो जो ध्याता ध्याय ध्यान समाप्त करने वाला निर्विकल्प आनंद था वो समाप्त हो जाता है नहीं ये ज्यादा अच्छा है ये किसकी आवाज है वो तो आवाज से बाहर हो गया था कोई आवाज परमहंस को सुनाई नहीं पड़ती चाहे अनंत कोट घंटा बजाओ अरे जब मई का भान नहीं है तो आवाज क्या सुनाई पड़ेगी जैसे आजकल डॉक्टर लोग इंजेक्शन दे देते हैं बेहोश करने का अब उसके कान में घंटा बजाते रहो वो सुनेगा नहीं यत्र सर्व सर्वमात्म व्याभूत तत्र केन कम पश्चेत केन कम सुनियात अरे विज्ञातार मरे केन बिजानी याद बृहदारण्य को उपनिषद चार पांच पंद्रह तो परमहंस की अवस्था सर्वश्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है ज्ञानी की ये तुरत और अवधूत ये दो अवस्थाएं जो है ये तो किसी किसी ज्ञानी की होती है और ये परमहंस हंस भी बन जाता है कभी परमहंस कभी हंस कभी परमहंस कभी, परम कभी हंस, कभी हंस देखो सुखदेव परमहंस थे फिर हंस बन गए क्या मतलब हा वेद व्यास का बनाया हुआ भागवत का एक श्लोक सुना और हंस बन गए संसार देखने लगे अपने को भी देखा ये लोग बैठे हैं ये स्त्रियां हैं ये पुरुष हैं सब देखा जिस लड़के ने वो श्लोक सुनाया था उसको भी देखा उससे बात की है बेटा तुम कहा से आए? मैं जगत गुरु वेद अभ्यास का शिष्य हूं ओ वेद अभ्यास वो तो मेरे पिता है हा अरे उन्होंने अठारह हजार श्लोक बनाए हैं भागवत में उसमें से मैंने एक श्लोक आपको सुनाया है अच्छा तब तो हम भी चलेंगे क्योंकि हमारी समाधि का जो सुख था उसके ऊपर ये हावी हो गया श्री कृष्ण का सुख तो इस ग्रंथ को पढ़ूंगा पढ़ना ये तो पहला क्लास है आप लोग सुन रहे हैं लेक्चर ये पहला क्लास है इसके बाद प्रैक्टिकल होना दूसरा क्लास है और फिर वस्तु प्राप्त कर लेना ये तीसरा क्लास है तो तीसरे क्लास के अंतिम चोटी पर पहुंचे हुए सुखदेव परमहंस अब फिर आ गए पहले क्लास में और भागवत सुना परीक्षित को सुनाया वो ग्रंथ बना और आप लोग भी सुनते हा तो वो परम हंस हंस भी बनता है देखो बड़े बड़े जितने ग्रंथ लिखने वाले हैं नारद जी सनकादिक स्वयं ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता लिखी है ये हाँ। सब परमहंसों के दादा हैं लेकिन फिर हंस बन जाते हैं जब चाहे तो हंस बन गए जब चाहे परमहंस बन गए सब कुछ इनकी मुट्ठी में होता है जैसे आप लोग जब चाहे जाग जाए और जब चाहे सो जाए बस आप यही कर सकते हैं <laughs> इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते वो लोग उसके आगे जाते हैं सुषुप्ति के आगे तुरी अवस्था में तो इस प्रकार परमहंस शब्द का हल्का हल्का सा आइडिया आपको दिया है आपको बनना नहीं है परमहंस आपको तो प्रेमानंद प्राप्त करना है थैंक यू